इंडिया ने लोन लिया, सारे गिद्दा भंगड़ा पाउणगे। परेशानी हो जाती है लोग, मैं दसदा हिंदी पंजाबी दोनों सुन लो, मैं थोड़ा थोड़ा तर्जमा कर दू, बंदा साडा हिंदी जी दसूगा। अब आरबीआई ने एक डंडा दिया इनके पे पहुंच जाते हैं। मैं लिया जवाकों को जलील करन लगे, जनानी को जलील करन लगे, जो कोई उन्होंने बजुर्ग फस गया उन्होंने फड़ लेंगे भी, फिर तेने कहे जी ला कई तो बहुत महंगा पहुंच पड़ता है, लोन ही कराई फिर पुत्र। अगला कहता है कमा तो 700 रुपया लोन दे, तेन 7 लाख तक तो भरूगा, रोटी खाऊगा तेरा लोन भरूगा। ये जैसे 20,000 का फोन है, ये लेने गए आप, उसने आपसे पूछ लिया कि पहले वो आपका डेबिट कार्ड मांगेगा कि क्या डेबिट कार्ड में कोई ऑफर चल रहा है, स्कोर का ही नहीं पता, फिर साढ़े वर्गे का की कर लूगा, कोई सिंपल स्कोर भी ये रख लिया किसी ने। एक मिनट कॉल आ गई जरूरी, क्यों कट दे, कब लेता पानी आ गया, देखो सिंपल स्कोर तो पता नहीं पानी आ गया, वो जो पैसे ने वो फिर लेंगे कि मैं वापस हूँ, चलो वो डंडा डुंडा तो कहते चढ़ाना रहे प्यार से जाने का भी ऑप्शन नहीं कि आप कोर्ट में शिकायत दे दी, पर इसमें देखो सीधी तौर पे ये चीज़ है अनसिक्योर्ड। देखिए ये जानकारी सारी सही है, ये कोई मजाकिया नहीं सी वीडियो, पर इन्ना जरूर है कि ये जी आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी ने, आरबीआई का मतलब कितना कितने कहता ही है भी जो छोटे लोन तो शुरू होना है। चलो ली अज थानू जानकारी है जी साझी करा कि जिन्हें ने लोन लिया सारे गिद्धा भंगड़ा पाउणगे, क्योंकि लोन लैन वाले वैसे तो तंग बहुत रहेंगे ने, बैंक वाले के फोन आते हैं जब सवेरे उठन सार चाह के कप देना फोन आता तो जलील दब के करते हैं, कई बारी यह जे मामले आए हैं, कई बंदे तो खैर कही बहुत बुरे अंजाम तक पहुँच गए हैं, पर अज जी आर बी वाले ने राहत दी है वह एड्डी वधिया कि थोड़ा बारी बारी जी करूगा लोन लैन, आम तो कहते हैं लोन लो ना, पर यह सुन के बहुत जी करूगा बारी बारी, वो पूरी गलबात सुनावे ना ही, पर हूँ मोड़ना एक लोन नहीं मोड़ना ये भी गल करा, अमित मेरे न सही गल कही है भी गिद्धा पाउणगे जिन्हें ने लोन लिया होया, आखिर भी ठीक है यार भरता भरता ना भरता ना भरता, खैर भरता देना चाहिए, पर ये है कि है आरबीआई ने यह जहाँ कहता। देखो आरबीआई समझिए उन्होंने एक चीज़ की है कि ना एक बड़ी परेशानी हो जाती है लोग, मैं दसदा हिंदी पंजाबी दोनों सुन लो, मैं थोड़ा थोड़ा तर्जमा कर दूँ, बंदा साडा हिंदी जी दसूगा। तो सीन ये है कि ना आमतौर पर जब भी एजेंट होते हैं, एजेंट ने कोई टाइम नहीं देखना, सुबह 5-6 अगर आप देखो तो 6 बजे से कॉलें बजनी शुरू हो जाती हैं, फॉर्म पूरे होते रहे हो और रात को 9-10 बजे तक भी कॉलें आती हैं और ये आती रही हैं। अब आरबीआई ने एक डंडा दिया इनके कि सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक इसके अलावा करोगे तो फिर हम आपके डंडा देंगे। याद रखो क्योंकि एक होती है भाई दिमाग बंदा घर जाता है शांति के लिए, तो एक घर गया कि घर जाके शांति मिले, ठीक है लोन कई कारण होते ज्यादातर देखो टाइम रखा बकायदा तौर से, हाँ हाँ 8 से 7 इसके बीच में, इसके अलावा नहीं कॉल करनी, अगर सुबह 8 बजे दिन शुरू हो गया 7 बजे तक नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, उसके बीच में सवेरे 8 बजे तो पहला नहीं कर सकते, शाम को 7 बजे तो बाद नहीं कर सकते, पर थोड़ा जा होर फ्लैक्सीबल करना थी, 9 to 5 कर देना थी, है ना, कई बार सवेरे जड़े ने कि उठता नहीं अगला साढ़े वर्गा, वो वर्किंग आवर्स का हो जाता है। चलो वो बैंक वाले बोलते हैं ना कई बार बंदा ही बोल देता है यार सुबह नींद तो खुलने दिया करो, स्विच ऑफ कर लूंगा, स्विच ऑफ इतना तो रख सकता है। तो एक तो सबसे पहले ये, दूसरा जो मैं सबसे अच्छी चीज मानता हूँ, आपके फैमिली मेंबर पे नहीं जाएगा कोई, आपने लोन लिया है आप, कई बार हमने बहुत कॉमन है चीज मैंने देखी आंखों देखी है कि लोन किसी ने परिवार के सदस्य ने लिया घर पे पहुंच जाते हैं, मैं लिया जवाकों को जलील करन लगे, जनानी को जलील करन लगे, जो कोई उन्होंने बुजुर्ग फस गया उन्होंने फड़ लेंगे भी, फिर तेने कहे जी लाद, कई तो बहुत पुठा बोलते हैं, कहते हैं कहे जी लाद पैदा करी, दसो बुजुर्ग को की पता भी थोड़े वर्गे माड़े तो लोन लेना भी पेगा। हाँ तो वही बात है, देखो कई फैमिली मेंबर्स को कई बार नहीं पता, कई छोटी छोटी चीज़ें, कई बार अपने फोन ले लिया, कई लैपटॉप ले लिया, कई चीज़ें हैं, और देखिए आजकल लोन फ्लेक्सीबिलिटी इतनी आसान है कि ना घर वाले बोलते हैं कि आपने लोन दिया क्यों, कई बार तो ये भी बोलते हैं कि निकम्मे बच्चे होते हैं, हाँ पता नहीं होता भी ये लैपटॉप चक्की पड़ता, महंगा फोन चक्की पड़ता, लोन ही कराई पड़ता, हाँ। तो ये देख लाख लाख रुपए का लोन, देखो लोन लेना बहुत इजी है, आप मैं कोई जाएगा, हमने एक बार इनकम टैक्स भरा हुआ है, ठीक है हमारी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, आपने नील का ही भरा ना आपका सिबिल स्कोर शुरू हो चुका, इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है, अगर आप रेगुलर भरते रहेंगे तो आपको लोन लेना बहुत आसान है, एक फैक्ट है, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं ना तो आपके लिए लोन लेना आसान है, आप चाहे करोड़पति और आपने एक लोन नहीं लिया हुआ, आपने एक इनकम टैक्स नहीं भरी हुई ना तो आप लोन नहीं ले सकते, आपका स्कोर माइनस में दिखाता रहेगा, वो -1 यानी कि फिर ये उन्होंने की पता लगे ITR तो जिम्मे 0 की भी होंगी, कई बार साढ़े वर्ग का 0 भी भरते उन्होंने को जिन्होंने को है ही नहीं पैसा कोई बात, हाँ 0 की भरना और ना भरना दोनों में बहुत फर्क है, 0 की भरते हो तो ये है कि आपने नील भरी है कि आपके पास पैसे थे आपके अकाउंट में चलता है, आप सरकार की निगरानी में है, आप एग्जिस्ट करते हैं, अकाउंट चलता, हाँ अकाउंट चलता है, देखो अकाउंट 50,000, देखो बिना पैन कार्ड के आप 50,000 तक अपना अकाउंट चला सकते हो, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, तो वो चलो हम लोग अलग ही जा रहे हैं, बात आ जाती है यहीं पे। तो अब ये है कि अब दो चीज़ें बहुत कॉमन है, आप फ़ोन लेने जाते हो बोलते हैं ना कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कि कंज्यूमर सामान है उस सामान के प्रति हमने, हमें लगा कि
आज दो चीज देखते हैं, या तो आप डेबिट कार्ड रख लेते, डेबिट कार्ड में ऑफर है। भाषा से कहिए भी यदि औकात एडी हैगी है, क्योंकि कई बार कोर्टा के पिछले मसला आया, अगला कहता है एक कमाता था 700 रुपया, लोन देता है 7 लाख का, कितों भरूगा, रोटी खाऊगा तेरा लोन भरूगा, ये कहने का मतलब वही आ गया भी यदि आई चलाई चलती है उन्नी को भी उन्ना को लोन दे दी। हाँ आई चलाई वही है, देखिए सर बड़ा लोन लेते हैं, देखो आई चलाई अभी कब दिखी जाती है, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ, आई चलाई जब आप बैंक से 2, 3, 5, 6 लाख का लोन लेने जा रहे हो, आई चलाई तब दिखी जाती है, तब वो आपसे आपके इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, ये तब दिखी जाती है। जब आप फोन लेने आते हो आपने लाख लाख रुपए तक देने, या कभी भी फोन लेना किसी ने प्रूफ लेना, वो जैसे फोन लेना है, ये जैसे 20,000 का फोन है, ये लेने गए आप, उसने आपसे पूछ लिया कि पहले वो आपका डेबिट कार्ड मांगेगा कि क्या डेबिट कार्ड में कोई ऑफर चल रहा है, अगर डेबिट कार्ड में ऑफर है फिर तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगता आपसे कि आपके बैंक से किस्तें बन गई, अभी लोन चलता रहेगा कि आपके बैंक ने ऑफर दिया हुआ था कि आपके बन गया, वो खाते में पैसे पड़े तो उसके बेस में बैंक देता है, वो आपका आगे कंज्यूमर लोन। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में होता क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में ये है कि ना जब आप लोन लेते हैं तो आपने कोई गारंटी नहीं दी है कि अगर मैं पैसे नहीं भरूंगा, जैसे कि हम लोग पुराने जमाने होता ना घर गिरवी रख दिया, कभी कुछ गिरवी रख दिया, या इस बंदे को कुछ नहीं बस बैंक लोन दे देता कि बैंक लोन है, और इसमें गिरवी क्या रखा गया, आपका सिबिल स्कोर। हमें तो ज्यादातर मेरे ख्याल से सिबिल स्कोर का ही नहीं पता, रख लेना फिर साढ़े वर्गे का की कर लूगा, कोई सिबिल स्कोर भी ये रख लिया किसी ने, एक मिनट कॉल आ गई जरूरी। जी गल बिची रहेगी सिबिल स्कोर वाली की सी, यार सिबिल स्कोर होता है आपका, देखो मैं ना सिबिल स्कोर भी डिटेल में जानना चाहूंगा, ना ना सिबिल स्कोर जरूरी है, पर वो जरूरी है कि मेन आप तौर पे आम बंदा कब लेता पानी है। आ गया देखो सिबिल स्कोर तो पता नहीं पानी आ गया और सिबिल स्कोर बंदा लेता, सिबिल स्कोर की अहमियत मंगावांगे, देखो चाह वाले कहते चाह ही मंगाई है कि चाह भी मंगावांगे बाद च पावांगे ना, हुण बिच पाली तां कम खराब हो जाऊ। देखो सिबिल स्कोर की मेन अहमियत होती है जब आप और मेरे जैसा एक घर खरीदता है, क्योंकि 50-60 लाख तो अपने पास इकट्ठे होने नहीं है एक बार में, सारी जिंदगी कमाते रहे, बात होती है सिबिल स्कोर वहां पता है। आमतौर पर स्कोर होता है आपका 900, मैक्सिमम 900 हो सकता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा है, आमतौर पे किसी का भी नहीं होता। कितना कौन दाऊं आमतौर पे एक एवरेज अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपका मेरा जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड सही है, हमारा 700 से 750 के बीच में जो गुड कैटेगरी में आता है, 800 से ऊपर एक्सीलेंट वेरी गुड वाली कैटेगरी आ गई, 600 बॉर्डर लाइन होती है, 600 से नीचे बुरा माना जाता है। 600 तक आप कहीं पे भी लोन लेने जाओगे तो आपको ठीक इंटरेस्ट पे, जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उस पे आपको मिल जाता है, और हर एक बंदा कोशिश करता है कि उसका स्कोर 700 तक रहे, एवरेज 700 रह जाता है। इधर आप फिर कदे बनाओगे वीडियो तो हूँ मैंने वो दस दे भी जो हूँ RBI ने कहता है मतलब फिर वो जो पैसे ने वो फिर लैन गए किमें वापस, हूँ चलो वो डंडा डुंडा तो कहते चढ़ा रहे प्यार से डंडा, बिल्कुल क्लियर कर दिया, प्यार ना तो कोई दंदा नहीं, फिर पैसे फिर प्यार नाल फिर वही है, फिर आपने देख के देना था। यहाँ पे बात RBI की एक सीधी हो गई है, आपने परिवार के किसी सदस्य को, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे किसी को, कुछ नहीं कहना है, जिससे पैसे लेने उससे भी प्यार से ही बात करनी है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होते हैं, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं कि मतलब हूँ कुल मिला के आ गया भी जिन्ना उन्होंने ये भी गल कही है भी तुसी लीगली कार्रवाई यानी कि डॉक्यूमेंटली कार्रवाई है जी वो तुसी कर सकते हो, होर कोई नहीं अगले दे करनी, तो उदे विच भी फिर यही है भी बदोबद कोर्ट जा सकते हैं, होर कुछ नहीं, कोर्ट भी नहीं, इसमें कोर्ट जाने का भी ऑप्शन नहीं कि आप कोर्ट में शिकायत दे दी, पर इसमें बेदिक सीधी तौर पर ये चीज़ है अनसिक्योर्ड, मतलब बात ही मतलब जब लोन ले रहे तभी बोल दिए, खुद बोलते हैं फिर ऐसा होना तो किसी ने नहीं मोड़ना आपके, जिसको अपने सिबिल स्कोर बचा के रखना है। देखो यहाँ पे बात हुई आती है सिबिल स्कोर कहने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो ये फिर दसा कहते कंटेंट खाई जाते क्योंकि दो बाद गल आ गई जी पकौड़ियाँ खा लो इन्हें असल तौर पर कही जानकारी सारी सही है, ये कोई मजाकिया नहीं सी वीडियो, पर इन्ना जरूर है कि ये जी RBI ने इंस्ट्रक्शन दितिया ने, RBI का मतलब कितने कितने कहता ही है भी जो छोटे लोन तुम देता दें फिर या तो तुम देखा करो भी ये भरू या नहीं भरू, पर जे वह नहीं भरता है तो फिर हूँ तुम उ गल साढ़े दसने वाले की भी तुम डंडा नहीं चढ़ा सकते, वो डंडा चाहे मारने वाली गल हो चाहे किड़े पासे मार लिहाज ना लै लो भी कुल मिला के कोई तंग परेशान नहीं करूँ, तो टाइम फिक्स रखता सवेरे 8 बजे तो बाद शाम को 7 बजे तो पहला ही पैसे मंगने वास्ते कॉल करनी, उस तो बाद कॉल भी नहीं करनी हैगी। वीडियो वधिया लग्या शेयर करो।